हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और चलिए आज हम बनाते हैं प्याज का पराठा। यहाँ पर मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। गेहूं का आटा है ये। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, आमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, और ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको भी डाल देंगे यहीं पर। प्याज है बारीक कटा हुआ, प्याज को भी डाल देंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पानी डालकर हम इसमें एक नरम सा इसका एक आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, मुलायम आटा लगाएंगे तो पराठे भी मुलायम बनेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च 2 बड़ी हरी मिर्च ली थी, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। आटा 2-4 मिनट के लिए रख दिया था सेट होने के लिए। अब हाथों में तेल लगाएंगे, और एक लोई लेंगे, आटा लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा मोटे पराठे ही बनाएंगे तो अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसको पहले हम तेल लगाकर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और अब इसको थोड़ा सा बेलेंगे हम कुछ इस तरह से। और अब हम इसमें फिर से ऑयल लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और थोड़ा सा फिर लगाएंगे तेल, और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। 3 कोने का पराठा हम बना सकते हैं इससे। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्याज डालेंगे तो हो सकता है आपको भरने में दिक्कत आए, बेलने में इसमें, अब क्योंकि प्याज निकलती है थोड़ी सी, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हल्का हल्का सूखा आटा लगाते हुए इसका मोटा पराठा बेलकर तैयार करें, ज़्यादा पतला ना करें, सूखा आटा बहुत ज़्यादा ना लगाएं। ऑयल की मदद से बेलेंगे तो पराठे ज़्यादा मुलायम बनेंगे, सूखा आटा ज़्यादा लगा देंगे तो मुलायम नहीं बनेंगे। ये पराठा बेल कर मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप सारे पराठे बना लीजिए, बेल लीजिए। पराठा बेलकर तैयार कर लिया है तो इसे अब हम सेकेंगे। तो तवा ले लीजिए सबसे पहले, नॉन स्टिक या आयरन का, जो भी आप लेना चाहें। इसमें पहले ही थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, इससे जो पराठा है वो चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो पराठा हमने बनाकर तैयार किया था। देखिए, प्याज ऊपर से दिख भी रहा है, लेकिन इसमें जो हमने मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला हुआ है, उसकी वजह से पराठे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें कुछ तेल लगा देंगे, आप सरसों का या रिफाइंड कोई भी तेल लगा सकते हैं। तेल थोड़ा ठीक से लगाएंगे तो अच्छे से पराठे जो हैं मुलायम पराठे बनकर तैयार होंगे। अगर सूखे रहेंगे तो बहुत ही रूखे रूखे पराठे बनकर तैयार होंगे। और इसको पलटते हुए सेक लीजिए, थोड़ी थोड़ी प्याज हो सकता है निकले, क्योंकि प्याज चिपकती है जब हम पकाएंगे, तो ये किनारे वाली प्याज जो निकल सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप पराठे बनाइए तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। थोड़े मोटे ही बनाइए। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सेक लीजिए। अब ये पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसको गैस को ऑफ कर दिया है, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको प्लेट में निकाल कर, यहाँ पर मेरे पास देसी घी है, तो ये घी को अब हम इसमें लगाएंगे पूरे पराठे में। तो आप इस तरह से एक बार बनाकर और सर्व करके देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। घी की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए, और तैयार है हमारा पराठा, बिल्कुल बनकर बढ़िया गर्मा गर्म।